हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। बच्चों, एक चीज़ याद रखना, टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों, अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है? तो वहाँ पर हमने बेसिक देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है। बच्चों, आपको पता है, मैंने आप लोग को थोड़ा सा टेंथ का भी पढ़ा दिया है, क्योंकि आप आगे आने वाले क्लास में टेंथ में पहुँचोगे ही, तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन आपको टेंथ वाला भी बता दिया था, ताकि आप टेंथ के सिलेबस से भी अवेयर हो जाएँ और आपको हेल्पफुल रहे अगली क्लास में। तो मैंने वहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बता दिया था, ठीक है? एक्चुअल में क्या, देखिए यहाँ पे पेयर नहीं लगाए, सिर्फ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो ये आपका सिलेबस है। और पेयर अगर कर देते तो वो क्या किसका बन जाता है, टेंथ का बन जाता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पे बस दो इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे आपके में सिंगल है। तो वहाँ पे मैंने आपको आप वाला सिलेबस तो मैंने बताया ही था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पर साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बता दिया, क्या पेयरिंग भी बता दी थी, ठीक है? तो आपके इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि एक कोई लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं 2x - 5 = मान लीजिए 7, ठीक है? तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। अब बच्चों, इसको लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो कैसी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर। अब अगर हम बात करें, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी। वन क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक है, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होगा, तो आप क्या करो, इसमें अगर एक वेरिएबल आप और ऐड कर देते हैं, मान लीजिए आप लिख दिया 2x + y = 7, तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। लीनियर इसलिए कहलाएगी क्योंकि पावर कितनी है, 1 है। और टू वेरिएबल क्यों कहलाएंगे? क्योंकि एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल वो होता है जिसका आप मान चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक्स वाई की जगह पे चाहे ए बी भी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? और 2, 7 हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है आपकी, मतलब जो ये 2 है, इसको आप कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और जब कुछ नहीं लगा होता है तो क्या मानते हैं, उसको 1 मानते हैं, ठीक है? चलो बच्चों, अब थ्योरी वाला जो पार्ट है वो तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको सारा बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? और एक छोटा सा आपको मैंने वहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी बता दिया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और आपके इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस तरह से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो आपके बुक्स की एक्सरसाइज है, ठीक है? चलिए मेरे चैंपियंस, देखते हैं ये दो क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब आपसे ये कह रहा है कि जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, डबल है, ट्वाइस है। तो आपको पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को, मतलब इस स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख दीजिए, ठीक? तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ लेट कॉस्ट ऑफ पेन, सॉरी नोटबुक, इसको हम मान लेते हैं एक्स। मान लीजिए मैंने नोटबुक की कॉस्ट क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक? और अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो हम मान लेते हैं वाई, क्लियर है? अब आप सभी जानते हो कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है, जो टू वेरिएबल में है। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को इस इक्वेशंस की फॉर्म में क्या करना है, पुट करना है, मतलब इसमें चेंज करना है इस फॉर्म में। अब देखिए बच्चा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नोटबुक जो है वो एक्स है और पेन की कॉस्ट क्या है, वाई। अब आपको स्टेटमेंट में कहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। लेकिन अभी ये जो नोटबुक की कॉस्ट है वो सिंगल पेन के बराबर की कॉस्ट के बराबर नहीं है, जब पेन की कॉस्ट डबल होगी तभी तो वो नोटबुक के बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू टू वाई, क्योंकि दो पेन की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो नोटबुक के क्या है, बराबर होगी। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आपसे डबल रुपए हैं, ठीक है,
तो मान लीजिए मेरे पास सपोज़ कीजिए एक्स है और आपके पास मान लो वाई रुपीज़ हैं, तो अगर मेरे पास आपसे डबल रुपए हैं तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स बराबर टू बाई, मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और आपसे डबल हैं तो आपके पास कितने होंगे, 50 होंगे, तो आप मेरे बराबर तभी तो आओगे जब आप दो से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जितने रुपए हैं वो आपके जितने रुपए के क्या होंगे, डबल हैं। सेम यहाँ पर भी है कि नोटबुक के जो कॉस्ट है वो पेन से डबल है, तो पेन का नोटबुक के बराबर कब होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, पेन में दो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन बन गई, बस यही आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों देखो आपसे क्या कह रहा है कि जो ये तीन इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपको ट्राई करना है। तो आपसे कह रहा है कि इन तीन इक्वेशंस को आपको लीनियर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको दे रखा है 9.35 के ऊपर 12। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 5 के ऊपर 12 है इक्वल टू 0, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह दिख रही है, नहीं दिख रही है, इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी की वैल्यू बता दो। तो अगर हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में कंपेयर कराएं, तो देखिए ए किस की तरह दिख रहा है आपको, ए इक्वल टू 2 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है ये कोफिशिएंट, ये देखिए ए इक्वल टू 2 दिख रहा है। अच्छा बी इक्वल टू क्या दिख रहा है, बी इक्वल टू दिख रहा है 3। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें सी इक्वल टू क्या किसके दिख रहा है, सी इक्वल टू दिख रहा है इसके माइनस 9.35 के ऊपर 12, तो सी इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 9.35 के ऊपर 12। तो ये इस तरह से हो गया। तो बच्चों देखो है ना कितना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपको एक इक्वेशन दे रखी है सेकेंड में कुछ इस तरह से, x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, इस तरह से आपको दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें भी ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो बच्चा देखो अगर हम इसको कंपेयर कराएं इस वाले से, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, तो देखिए जब कुछ नहीं लिखा हो तो बाई डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, 1 कोएफिशिएंट मानते हैं। तो यहाँ पे ए किस की तरह दिख रहा है, 1 की तरह, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और b इक्वल टू किसकी तरह दिख रहा है, 1/5, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/5। ऐसे अगर हम c की बात करें तो c किसकी तरह दिख रहा है, माइनस 10 की तरह, तो हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू माइनस 10, आसानी से हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों इसके इस एक्सरसाइज में और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से लगाइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और अब हम थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें, 5 इक्वल टू 2x, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसको इस तरफ लेके आए, इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर मैं इसको माइनस 2x प्लस 5, पहले 2x लिख देता हूँ फिर 5 लिख देता हूँ, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू निकालें बच्चों, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, क्योंकि x के साथ a लगा है, तो यहाँ पर x का क्या लगा, माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2। अच्छा बताओ b की वैल्यू कहीं आपको दिख रही है इसमें, देखिए यहाँ पे बी के साथ बी कोएफिशिएंट वाई के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं वाई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आपको पता है बी इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि उसका कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। ठीक, और सी किस कितना दिख रहा है आपको, 5 कितना, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और भी देखते हैं हम क्वेश्चन कि किस किस टाइप इतना किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं,
चलिए हमारे चैंपियंस नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। ठीक है, तो बच्चों आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ओनली टू सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन उसने दे रखी है आपको कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके इसके बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को 3x प्लस 5 इक्वल टू y कैसे लिख सकते हैं, या तो आप y इक्वल टू 3x प्लस 5 बोलिए या 3x प्लस 5 इक्वल टू y बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है कि इसमें x की कोई भी आपकी जो मर्जी है वो वैल्यूज पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कहा कि x की मैं अगर जीरो वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, 3 × 0 x के 0 पुट कर दिया प्लस 5 इक्वल टू वाई। तो देखिए बच्चों ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो से जिसकी भी मल्टीप्लाई होती है जीरो हो जाता है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो एक सोल्यूशन हमें ये मिला, यानी जीरो रखने पर हमें क्या मिली, y की वैल्यू 5 मिली। ठीक, चलिए अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ मान लीजिए, ठीक है, इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो बताइए क्या बनेगा, 3 × 1 प्लस 5 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमने x 1 पुट किया तो y कितना मिला, 8। चलो एक बार इसी इक्वेशन में आप y इक्वल टू 0 पुट कर लो, आप कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं चाहे x की या y की। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 5 इक्वल टू y की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 5, ये उस तरफ चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 5 और अपॉन में 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x कितना मिला हमें, माइनस 5/3। तो बच्चों यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमने डिफरेंट x या y की वैल्यू हमने पुट की हैं जिसमें हमें कई सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो अब ऐसे आप और भी कई सारी वैल्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब हम डिफरेंट x की वैल्यू जब हम रख रहे हैं या y की रख रहे हैं तो हमें डिफरेंट y या x की वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे और भी रखेंगे तो कई सारी वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इन इक्वेशंस के। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इक्वेशन की, 2x प्लस y इक्वल टू 7 दे रखा है। अब आपको 4 सॉल्यूशन निकालने दे, अब देखिए जैसे ऊपर हमने वैल्यूज रख के कई सारे सॉल्यूशन ये निकाले ना, ऐसे यहाँ पर भी आपको सेम करना है। तो चलिए एक बार हम x इक्वल टू मान लीजिए 0 पुट करते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो बताइए y कितना हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा पोर्शन, तो y इक्वल टू 7। तो यानी कि x 0 रखने पर y कितना मिला, 7। ठीक है, चलिए अब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यह आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 उस तरफ जाएगा तो 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हमें दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला कि जब हमने x 1 रखा तो y कितना मिला, 5। ठीक है, इसी तरीके से आप x इक्वल टू 2 रखिए, तो जब x इक्वल टू 2 आप रखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगी उसी इक्वेशन में, 2 × 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यह आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमने 2 रखा तो y कितना मिला, 3 मिला। तो बच्चों देखिए कितने सॉल्यूशन पूछे, 4 पूछे, तो हमने कितने निकाल लिए, 1 2। ठीक है, 2 ये निकल, दूसरा ये निकला, ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला। ऐसे ही आप एक बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट कर देना या 4 पुट कर देना। ठीक है, देन फिर से आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से एक और सॉल्यूशन निकालोगे तो 4 सॉल्यूशन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। चलिए इसको ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी को ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन आपको दे रखा है। पाई एक्स प्लस नाइन इक्वल टू, सॉरी, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन। अब आप क्या करो, एक्स इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट कर दो, जीरो। तो देखिए पाई की मल्टीप्लाई किससे होगी, जीरो से होगी, प्लस वाई इक्वल टू क्या, नाइन। तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाइन। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। आपको चार सोल्यूशन निकालने सिमिलरली जैसे यहाँ किया था, तो जीरो नाइन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगर हम बात करें सेकेंड सोल्यूशन के लिए, तो एक्स इक्वल टू हम वन पुट कर देते हैं। बच्चों ये जीरो वन टू ये फिक्स नहीं है, आप माइनस में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, माइनस वन माइनस टू भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप आपकी जो मर्जी है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए क्या बनेगा, पाई इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू नाइन। बच्चों मैं मल्टीप्लाई का साइन ना ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, आप चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है, दोनों ही सेम है, ये मेरी आदत पड़ी हुई है बच्चों, ठीक है। तो पाई इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू क्या, नाइन। तो ये आ जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू नाइन। तो ये वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाइन माइनस पाई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक्स इक्वल टू मान लीजिए टू पुट कर दूँ, तो बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताइए। तो ये बन जाएगी पाई इंटू टू प्लस वाई इक्वल टू नाइन। तो ये आ जाएगा टू पाई प्लस वाई इक्वल टू नाइन। तो वाई इक्वल टू कितना जाएगा, नाइन माइनस टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने वन रखा तो वाई मिला नाइन माइनस पाई, और यहाँ पर जब हमने टू रखा एक्स की वैल्यू तो नाइन माइनस टू पाई मिली वाई की वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो फोर्थ निकालना है, तो एक्स इक्वल टू थ्री या फोर या फाइव या कुछ भी आप रख लीजिएगा, फोर्थ निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी में मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू फोर पाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू फोर पाई, इसको लिख लेते हैं। पहले हम सेम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, तो ये भी y इक्वल टू जीरो अपॉन ए फोर। तो अगर आप जो है जीरो डिवाइड बाई फोर होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो रखने पर जीरो मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 इक्वल टू 4 पाई, 4 बाई सॉरी, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 1 बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे x बराबर एक बार 2 रख देते हैं तो ये जाएगा 2 इक्वल टू 4 बाई, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 बाई 4, तो ये आ जाएगा कितना, 1 बाई 2, तो y इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये सॉल्यूशन आपको कब मिला, जब आपने 2 रखा तो y मिला 1 बाई 2, ठीक है, और जब आपने x 1 रखा तो y कितना, 1 बाई 4 मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीन सॉल्यूशन हो गए। चौथा एक और निकालना है, जो मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं निकाला, मैंने तीन ही सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक है, तो चौथा भी आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं चौथा भी निकाल देता हूँ। अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू 4 y, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बाई 4। तो ये चौथा सॉल्यूशन हो गया, क्या जब मैं 3 रखा तो 3 बाई क्या मिला, 4 मिला। ओके बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चैंपियंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस टू बाई इक्वल टू फोर एंड विच आर नॉट। तो आपसे ये कह रहा है कि नीचे जो आपको इक्वेशंस दे रखी है ना, उनके ये सॉल्यूशन, मतलब ये अगर वैल्यूज हम उसमें रखेंगे, एक्स के यहाँ पे 4 और वाई के यहाँ पे 0, तो ये कह रहा है कि बताओ कौन सी सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, और कौन सी नहीं सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए इक्वेशंस की बात अगर हम करें तो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो पहला वाला लेफ्ट हैंड पे होता है ये एक्स की वैल्यू कहलाती है और ये किसकी कहलाती है, वाई की वैल्यू कहलाती है। तो आप पुट करो यहाँ पे, एक्स की जगह पे 4 पुट करो, वाई की जगह पे 0, और देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर एक्स की जगह पे हम 4 पुट करते हैं और वाई की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो क्या आपको LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। तो देखिए अगर 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पूरा। तो क्या हमें 4 इक्वल टू 4 मिला, बिल्कुल मिला। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, तो हम कहेंगे कि ये जो है
40 जो पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, विच आर सॉल्यूशन। चलिए सेम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स माइनस टू बाई इक्वल टू फोर, तो एक्स माइनस टू बाई इक्वल टू फोर। अब एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, रूट टू रखेंगे, और वाई की जगह पे फोर रूट टू, तो टू इंटू फोर रूट टू इक्वल टू, देखना है हमें कि चार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं, पहले LHS को चेक करते हैं। तो ये आएगा रूट टू और माइनस, ये कितना जाएगा, मल्टीप्लाई होगी टू की फोर रूट टू से, तो ये जाएगा एट रूट टू। तो रूट टू में से माइनस एट रूट टू जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का सेवन रूट टू बचेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या, माइनस का सेवन रूट टू क्या फोर के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर इन पॉइंट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो विच आर नॉट, ये नॉट प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन समझ लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके बुक के एक्सरसाइज में से ही हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ आपके लिए है। तो आप लोग बुक्स खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन मैंने करा दिए, और जो बचे हैं वो आपका असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स बराबर टू वाई इक्वल टू वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू आपको बताना है, जिसके लिए x इक्वल टू टू और y इक्वल टू वन एक इस इक्वेशन के लिए क्या होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए x की वैल्यू टू दे रखी है, y की वैल्यू कितनी रखी है, वन दे रखी है, ठीक है। और इनकी वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x यहाँ पर टू पुट कीजिए, तो टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन, तो x की जगह पर हमने टू रख दिया और y की जगह पर क्या रख दिया, वन रख दिया, इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा आपका फोर, टू इंटू टू फोर प्लस थ्री इक्वल टू k, तो ये आ जाएगा सेवन इक्वल टू के बोलिए, या के इक्वल टू सेवन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही है, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस वगैरह के बारे में सब बता दिया था। आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज की है, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से लगाना है, अच्छे से लगाना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी एक दूसरे की कॉपी नहीं करना है, और असाइनमेंट आपका क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस बच गए इन एक्सरसाइज के वो सारे क्या रहेंगे, आपका असाइनमेंट रहेंगे। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो अभी इसी का पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें हम ग्राफ वाले भी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए आप इनको ट्राई कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, पहले खुद से खूब सारे ट्राई करना है, अगर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है तब आप ग्रुप पे मेरे से पूछेगा, और मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन उससे पहले क्या है, आपको खुद से खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स ऐसे अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स को खूब सारा लगाना है, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आएगी मैथमेटिक्स। और एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा कि आगे आने वाले एग्जाम में, मतलब आप जो भी आगे पढ़ेंगे 10th के बाद 11th 12th या आगे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी आगे जब करते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से बगैर कुछ भी नहीं है आजकल, और मैथमेटिक्स जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आएगी, और उतना ही मैथमेटिक्स से आपको क्या हो जाएगा बच्चों, प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।